खबर है कोरोना वायरस की, पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुके कोरोना वायरस ने अब भारतवर्ष में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार भी गंभीर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही ये घोषित कर दिया था कि अब 31 मार्च तक जो भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां जाने से बचा जाए, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो, शैक्षणिक संस्थान हो, तमाम ऐसी जगहें जहां भीड़भाड़ की चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसी चीज़ों से बचना वक्त की ज़रूरत है। चूँकि कोरोना वायरस से कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है, और ऐसे में भारत के जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो अंधेरी पश्चिम के स्टार बाजार का इन24 संवाददाता प्रदीप शर्मा ने रुख किया और वहाँ का जायज़ा लिया। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में बात करें तो भारत में लगभग 112 से ज़्यादा मरीज अब तक इससे संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वहीं अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है और महाराष्ट्र के सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही स्विमिंग पूल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, थिएटर की बात करें, तो तमाम चीज़ों को जो है पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने एहतियातन के तौर पर ये कदम उठाया है। ऐसे में हम आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी स्टार बाजार मॉल में हैं, जहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मॉल काफ़ी चहल पहल रहता था, लेकिन पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर बात करें तो सेलिब्रिटीज़ के लिए काफ़ी जिम है, कई चीज़ें हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदेश के बाद से मॉल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र जो है स्टार मॉल है, स्टार बाजार का ये मॉल पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो अमूमन दिनों में जब ये खुला रहता है तो लोगों की काफ़ी भीड़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अब ये मॉल बंद कर दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के एहतियात को बरतते हुए ये फैसला जारी किया है कि महाराष्ट्र में सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, ये चीज़ें बंद होंगी। पब्लिक प्लेस की जो चीज़ें हैं, चाहे वो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, वो जो गार्डन होते हैं, वहाँ पर भी बंदी का आदेश दिया गया है। ऐसे में तमाम अगर बात करें तो स्टार बाजार जो मॉल है वो भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। हालांकि स्टार बाजार में स्टार हाइपर जो मार्केट है उसको खोला गया है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू उपयोग की चीज़ें जैसे राशन हो, तेल हो, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती, जिसकी वजह से इसको खोला गया है, ताकि लोगों को जो घर की ज़रूरतों की चीज़ है वो खरीद सके, लोग अपने घर पर जो है एक्स्ट्रा रख सके, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर बरपा जा रहा है और हर तरफ जो है इसका असर देखने को मिल रहा है, चाहे बात करें तो सब्जी मार्केट की बात करें या स्कूल कॉलेज की बात करें, तो ऐसे में लोगों में अब कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ भी है, और लोग अपने घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगा कर निकल रहे हैं। सर, जिस तरीके से मैडम मुंह पे मास्क लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये तो कोरोना की वजह से लगा रहे हैं ना हम लोग। आज क्या खरीदी करने की, क्योंकि मॉल और सब बंद है? क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ेगी और बंद होएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम होएगा ना, इसके लिए खरीदना पड़ रहा है। जी, खरीदना पड़ रहा है क्योंकि चीजें जरूरत, ऐसे ही तमाम और भी लोग हैं क्योंकि मास्क लगाकर लोग घूम रहे हैं। आपसे जानेंगे मास्क क्यों लगाए हो? कोरोना वायरस की वजह से लगाया हूँ। क्या लगता है इससे सेफ्टी हो रही है? जज ये तो कर रहा हूँ, सेफ्टी किसको है? मॉल तो बंद है, फिर किस लिए आए हैं? ऐसे आया काम है इधर, ऐसे मॉल चालू है क्या? मॉल चालू नहीं है। मॉल बंद है, मॉल बंद है, और जिस तरह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि मात्र यही हाइपर जो है स्टार जो बाज़ार है, हाइपर स्टार बाज़ार, वही ओपन रखा गया है। जिस मेरा होम अप्लायंसेस का दुकान है, पिछले दो दिन से एकदम बंद चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, अभी सरकार ने इमिजिएटली फैसला लिया, इसके वजह से बंद करना पड़ा है। कितना इफेक्ट पड़ रहा है सरकार की इस फैसले से, कितना इफेक्ट पड़ा है? अभी क्या बोले, अभी बोल रहे एक 10 दिन तक 31 तक चालू करेंगे, 31 तारीख तक। सरकार के फैसले को सही देख रहे हैं, बट अभी चालू नहीं हुआ है अभी तक, सरकार कब तक चालू करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। स्टार मॉल में आपकी दुकान है? जी हाँ। किस चीज की दुकान है और कब से बंद है? लेडीज आइटम की दुकान है, कल से बंद है। हमको तकलीफ हो रही है, दो दिन से बंद है, हमारा घर तो दुकान पे ही चलता है, अभी उसका रेंट भी देना है हमको। सारी बाकी दुकानें रोड पे तो सारी चालू है, हमारे 3-4 दुकानें जो मॉल में ग्राउंड पे है वो ही बंद है।
लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से कहर बरपा रहा है, इसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया, सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखती है? फैसला तो ठीक है, पर प्रोटेक्शन अपनी अपनी हर कोई लेगा ना, अपने आप को, सबकी जान अपनी प्यारी है, वो अपनी जान को कीमत करे ना। हमारी दुकान बंद करने से किसी की जान थोड़ी बचने वाली है। आप क्या कहेंगे, आपकी किस चीज़ की दुकान है और मॉल में कब से दुकान बंद है? मेरी मैंस एक्सेसरीज की शॉप है सर यहाँ पर। बट देखिए, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, डिसीजन सही है, बट लेकिन कहते हैं कि एक तरफ अगर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमारी कमाई भी बहुत ज़रूरी है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं हमारी, तो इसलिए थोड़ा सा कैसा है कि गवर्नमेंट को कुछ और भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि अगर 15 डेज अगर शॉप बंद रहती है तो हमारा खर्चा कैसे क्या चलेगा, इसके रिगार्डिंग कुछ सोचना चाहिए कि हाँ यार अभी नॉर्मल देखेंगे। बेसिकली अगर लोकल में देखेंगे हम तो लोकल में तो शॉप्स अभी ओपन ही है हर जगह, जो कि मेन देखा जाए तो हमको छोटे एरिया में कवर करना चाहिए। बेसिकली आप देखेंगे मॉल्स वगैरह में जो आने वाले कस्टमर हैं रिचेस छोटे हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ के बारे में, वो हमसे ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ के बारे में। तो कैसे है कि यहाँ पे आप बहुत शॉप देखेंगे कस्टमर कैसे है कि वो प्रोटेक्शन करके आ रहे हैं हर चीज़ का, बट लोकल में इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है हमको। लोकल में लोग शॉप कर रहे हैं और बेसिकली और नॉर्मल यहाँ पे क्लोज है, तो थोड़ा सा एक लग रहा है कि एक तरफा गेम है। तो इससे थोड़ा हम ये चाह रहे हैं कि कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले वो बेस्ट है नो, क्योंकि हेल्थ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस डिसीजन से हम एग्री हैं, बट लेकिन कैसे है कि एक तरफ से ये भी सोचना चाहिए कि अगर शॉप क्लोज है, बिजनेस लॉस हो रहा है, या लोगों को 15 डेज लोग करेंगे क्या, जिनका कुछ लोगों का ऐसा है कि जो सुबह जाते हैं काम को लेके आते हैं पैसे, वही उनका घर का खर्चा चलता है, वो क्या करेंगे, उनके बारे में क्या सोचा है? फिर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोगों का मेन तो यही है ना, खाना पीना भी तो होना चाहिए। तो कुछ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि कुछ एक शॉप करना चाहिए कि जहाँ से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें कुछ खाने की चीज़ें, या कुछ भी एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस चीज़ का, लोगों की जो घरेलू ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आसानी से खरीद सकें। और पिछले दो दिनों से लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदेश के बाद मॉल को बंद रखा गया है ताकि किसी प्रकार की लोगों में एहतियात बरता जाए और कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो फैले ना, जिसकी वजह से लोग जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है, और आप जिस तरह से मॉल में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो अमूमन दिन में ये मॉल पूरी तरह से लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है, लेकिन आज जो है खाली हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के आदेश के अनुसार ये मॉल को बंद कर दिया गया है। ऊपर के जो फ्लोर है सब बंद है, ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ जो है राशन की बात करें स्टार हाइपर बाजार जो है उसको खोला गया है, ताकि लोग अपने घरों में राशन और घर की जरूरी चीज़ें खरीद सके। ऐसे में बात करें तो कहीं ना कहीं इसका असर भी है, लोगों में दहशत है कोरोना वायरस की, तो दूसरी तरफ लोगों के पास समस्याएं हैं कि रोजगार को लेकर काफ़ी परेशान है, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।